हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट बुक का, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जिसमें इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के, 2 मार्क्स के, फिल इन द ब्लैंक्स, और एक और कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे 4 मार्क्स के। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे, एक सेकेंड, वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आपको मतलब बताना एक तरीके से, देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जब आप सीधा एक तरीके से निर्णय ले लेते हैं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, तो उसको आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं। जैसे कि पहले के समय में क्या होता था कि जो लोग होते थे एक स्थान पर बैठते थे और वहीं पर सारे डिसीजन लेकर के उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर देते थे। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा एक साधन या फिर एग्जाम्पल डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज मीन्ट बाय इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आज के समय की व्यवस्था है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो जाकर के गवर्नमेंट बनाते हैं, और वो गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है, नियम बनाती है, फिर उसके जरिए समाज को चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में यही डिफरेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा आपसे कि व्हाट इज एन इलेक्शन। देखिए इलेक्शन का मतलब क्या, देखिए इलेक्शन जो आपका होता है वो एक मेथड होता है जिसके जरिए जो पब्लिक होती है अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है, उसी को हम इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका कि व्हाट आर वोटर्स कॉल्ड। ठीक है, तो वोटर्स हम वैसे बेसिकली किसको कहा जाता है, तो जो भी भारत में 18 प्लस का है और उसके वोटर आईडी कार्ड बन रखा है और वोट कर रहा है, तो वो एक तरीके से कहलाएंगे वोटर्स कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि हु प्रिपेयर्स द वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट कौन बनाता है, तो वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है एक तरीके से। ठीक है, इलेक्शन से जुड़े हुए जितने भी काम है वो सभी इलेक्शन कमीशन ही करता है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखिए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इलेक्शन कमीशन। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, हाँ अगला क्वेश्चन आपका कि व्हेन इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर 5 ईयर इट इज कॉल्ड। तो इलेक्शन जब भी 5 वर्षों के अंतराल पर होते हैं तो उसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 व्हेन दे वोट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का अर्थ ही होता है कि जो भी आपके देश में एक अडल्ट की जो आयु तय करी जाती है उसके हिसाब से अगर आप वोट करते हैं तो वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में काउंट होता है। ठीक है, तो भारत में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की जो एज तय करी गई है वो 18 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि द मिनिमम एज टू कंटेस्ट लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यानी कि एक एमपी के लिए और एक क्वेश्चन आपका एमएलए के लिए, अगर आपको एमपी के इलेक्शन लड़ने हैं या अगर आपको एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा आपका 25। अगला क्वेश्चन आपका कि डैश हैज बीन इस्टेब्लिश इन इंडिया बाय आर्टिकल 324। तो देखिए जो भारतीय संविधान है आपका, उस भारतीय संविधान में हर एक विभाग की क्या होती है, पावर बताई जाती है कि किस आर्टिकल में इसकी पावर है। तो उसी तरीके से जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसके लिए जो आर्टिकल नंबर 324 है, इसके जरिए इसको 324 फर्स्ट, इसके जरिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और 324 के बाद जितने भी हैं थोड़े बहुत आसपास के नंबर में, उसमें इनके जो पावर है वो बताई गई है किसकी, इलेक्शन कमीशन की। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इसमें हमें करना है करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस को बताना है। पहला आपका है कि प्रोपोर्शनल सिस्टम इज कॉल्ड प्लूरिस्टिक सिस्टम। तो ये गलत है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल सिस्टम को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्लूरिस्टिक सिस्टम, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन आपका कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर, जो कि आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो अपॉइंटमेंट होती है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं ऑन दी एक तरीके से सलाह पर करते हैं, किसकी, मंत्री परिषद के, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना उनकी सलाह पर राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की एक तरीके से अपॉइंटमेंट करते हैं, कमिश्नर्स की, नॉट कमीशन। खैर अगला क्वेश्चन आपका कि 13th प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड इन राज्यसभा इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है, यानी कि राइट है एक तरीके से, क्योंकि भारत में जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें तो वैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाते हैं, बट जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अपनाया जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो आपका होता है, चलिए ये क्वेश्चन आगे है उसमें बताऊंगा ही मैं आपको। खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें।
पहला क्वेश्चन आपका कि द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो हमें बताना है भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक उदाहरण, तो इसका जो उदाहरण है आपका वो है ग्राम पंचायत, सॉरी ग्राम सभा कह लो, ग्राम पंचायत कह लो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक बैठक होती है, उसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसको तुरंत से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो होते हैं वो डेली लाइफ के होते हैं, छोटे से मतलब एक गाँव के होते हैं एक तरीके से, तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक ये उदाहरण होगा। 17th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अडॉप्टेड, तो किस देश में पीआर सिस्टम को अपनाया गया है, तो वो आपका है इसराइल, ठीक है, तो इसराइल में जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ का जो सिस्टम है आपका वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व इन लोकसभा, तो रिजर्व सीट्स कितनी है लोकसभा में, तो रिजर्व का मतलब यहाँ पर आपको समझना है एससी के लिए और एसटी के लिए, अभी वुमेन्स के लिए बात चल रही है तो वुमेन्स के लिए करा जाएगा, खैर तो जो एससी हैं और जो एसटी हैं उनके लिए जो रिजर्व सीट हैं वो आपका 84 एससी के लिए हैं और जो एसटी हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनके लिए 47 है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका हमें बताना पड़ेगा 131, क्योंकि यहाँ पर एससी और एसटी हम दोनों को जोड़ करके बताएंगे, ओके 84 प्लस में 47 इज इक्वल टू 131, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि व्हेन वाज द एज ऑफ वोटिंग रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18, तो देखिए भारत में पहले मैंने कहा था ना कि ये देश तय करता है कि आपके देश में एक लीगल एज क्या होगी एक तरीके से वोटिंग की, तो भारत में पहले जो एज थी आपकी ये 21 थी, ठीक है, 1989 के बाद क्या हुआ कि इसको 18 कर दिया गया, ठीक है। 1989 में एक और चीज़ हुई थी, इलेक्शन कमीशन में बदलाव हुआ था, पहले एक सदस्य था वो, बाद में 1989 के बाद उसको 3 सदस्य कर दिया गया, यानी कि अब हमारे पास 3 एक तरीके से इलेक्शन कमिश्नर होंगे, हालांकि मेन तो एक ऊपर वाला ही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि ऑन व्हाट बेसिस आर द एलिजिबिलिटी कंटेस्ट इलेक्शन इन इंडिया, तो यहां पर एलिजिबिलिटी पूछी गई है भारत में कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आपको कंटेस्ट करना है इलेक्शन इंडिया में, तो इसका सिर्फ एक ही है, वो है आपका एज। सोचिए कितनी गलत बात है कि इसमें ना इनकम देखते हैं, ना जेंडर देखते हैं, ना एजुकेशन देखते हैं, सिर्फ क्या देखेंगे भाई, आपकी उम्र देखेंगे, और उम्र देख करके आपको अलाउ कर देंगे कि आप वोट कर सकते हो, और कैसा भी व्यक्ति हो, कुछ भी उसका मतलब कुछ भी उसने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, वो एक तरीके से देश को चलाएगा। खैर जो भी हो, ये हमारा इलेक्शन सिस्टम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें आपको बताना है एज जो है आपका एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू कंटेस्ट इलेक्शन इन इंडिया, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो इसमें पूछा गया है कि पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे आपके सुकुमार सेन, 1 मार्क का क्वेश्चन है जो कि कन्फर्म है आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, व्हाट डज स्पेशल मेजोरिटी मीन, तो देखिए स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, देखिए स्पेशल मेजोरिटी आपका जो होता है अलग अलग चीज़ों में काम आता है, हालांकि भारत में जो संविधान में संशोधन जब हमें करने होते हैं, तो मान लीजिए कोई रिजिड नियम है, कोई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है, तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है कि यहाँ पर जो टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर होते हैं एक तरीके से पार्लियामेंट में, उसके आधे से अधिक आने चाहिए एक तरीके से, या फिर मान लीजिए आप 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, तो ही वहाँ पर वोटिंग स्टार्ट करी जाएगी उस चीज़ को बदलने के लिए, उसी को स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि हु अलॉट इलेक्शन सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो देखा आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का हाथ छाप है, बीजेपी का कमल है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, तो ये सब क्या है एक तरीके से इलेक्शन सिस्टम है, तो ये अलॉट कौन करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो इसका आंसर आपका इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि विच इलेक्शन सिस्टम इज अडॉप्टेड इन राज्यसभा इलेक्शन, तो ये भी हमने थोड़ी देर पहले भी करा था, तो राज्यसभा में कौन सा इलेक्शन सिस्टम है आपका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन आपका कि हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया, तो अभी के समय में जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो एक हैं वो कौन है आपके, राजीव कुमार, ओके। चलिए अब बात करेंगे हम 2 मार्क क्वेश्चन की। चलिए पहला क्वेश्चन आपका इसमें कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मैंने आपको बता ही दिया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो पब्लिक होती है वो सीधा पार्टिसिपेट करती है गवर्नेंस में और वहाँ पर जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो ले लेती है, जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इसमें आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हो, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो है गवर्नमेंट में जाता है, फिर वो गवर्नमेंट जो है वहाँ पर एक तरीके से फैसले लेती है हमारे लिए ही, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब सीधा, इनडायरेक्ट मतलब सीधा ना होकर के बेसिकली, तो इनडायरेक्ट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट डज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मीन, देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मीन का मतलब समझना है आपको कि जो भी बंदे खड़े हुए हैं 4 इलेक्शन में खड़े हुए, मान ली ABCD, तो इन चारों में कौन जीतेगा, जिसके पास नंबर ऑफ वोट्स ज़्यादा हैं, बस। तो ये आसान सा है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये भारत में हर इलेक्शन में यही अपनाया जाता है राज्यसभा को छोड़ करके।
अगला क्वेश्चन आपका व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो आपका है ना, वो एक तरीके से आपको समझना है कि इसमें हम ना कैंडिडेट को वोट नहीं करते हैं, इसमें हम पार्टी को वोट करते हैं। तो मान लीजिए एक पार्टी खड़ी हो गई, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई, अब इनको हम वोट करेंगे। तो जब हम वोट करते हैं तो इसमें क्या होता है, परसेंटेज में वोटिंग होती है। मान लीजिए 20% किसी को वोट मिला, किसी को 60 मिला और किसी को 20 मिला, मतलब दो बंदों को 20-20% और एक को 60%। तो यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ सीट्स जो होंगे ना वो उसके हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जिसको 60% वोट मिले तो 10 सीटों में से 6 सीटें चली जाएंगी, जिसको 20% मिले उसको 2 सीटें और जिसको 20 मिले उसको 2 सीटें। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका एक तरीके से प्रोपोर्शन होता है, एक तरीके से मान लो परसेंटेज जो आपकी होती है ना उसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। यानी कि आप जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स लेकर के आओगे आप उतने ही सीट्स के हकदार होगे, ठीक है। बट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है कि जितने बंदे खड़े हुए हैं उसमें से जिसके ज़्यादा वोट है वो जीत जाएगा। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, जितने बंदे खड़े हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि कोई भी, मतलब बहुत सारे बंदे जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को भी सीट मिली, कांग्रेस को भी मिली और आम आदमी पार्टी को भी मिली। बट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होता, उसमें कौन जीता, जिसके 60% आते उसके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज सीक्रेट बैलेट सिस्टम। देखिए सीक्रेट बैलेट सिस्टम जो आपका होता है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम जो आपका होता है एक तरीके से, उसका मतलब होता है कि जो भारतीय आपका इलेक्शन सिस्टम है इसमें हम क्या करते हैं कि जो वोट डालने जाता है ना सिर्फ उसी को पता होता है कि उसने किसको वोट किया है, और यही आपका सीक्रेट बैलेट सिस्टम है, ठीक है। तो इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम द सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज ऑफ सीक्रेट वोटिंग इन विच नो वन एक्सेप्ट द वोटर नोज हु हैज बीन वोटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, केवल वोटर को ही पता हो कि उसने किसको वोट किया। क्योंकि अब देखिए आप जब वोट करने जाएंगे, बेसिकली आप तो 11th में तो नहीं जाएंगे, हालांकि अगर आप बड़े हैं तो आपने दिया हुआ तो वोट पता होगा कि आपकी मशीन होती है, फिर आप उसको प्रेस करते हैं जो कि ढका रहता है, हालांकि आपने किसी टीवी वगैरह में देखा होगा, न्यूज़ में दिखाते हैं कि ऐसे वो ढका रहता है, किसी को पता नहीं चलता। तो वही आपका सीक्रेट बैलेट सिस्टम है, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, अभी ये मैंने ऊपर आपको बताया था कि 84 और 47, ये जो दो नंबर्स मैंने बताए आपके कि SC के लिए और ST के लिए, अब ये जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में इनके लिए रिजर्व हैं। तो ये क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही रिजर्व कर देते हैं कि ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो यहाँ पर कौन जीतेगा, SC का बंदा जीतेगा, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ पर ST का जीतेगा। तो इस तरीके से उसको कहा जाता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट आर द टू एलिमेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ एन इलेक्शन सिस्टम। तो दो चीज़ें बतानी है जिसकी वजह से जो आपका इलेक्शन सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम करता है या फिर सक्सेस है उसका। तो पहला वही है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं और दूसरा आपका इंडिपेंडेंट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। दोनों के आपको बता देने हैं, हालांकि आप अपने मन से ही बता सकते हैं कोई से भी दो एलिमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज डेलिमिटेशन कमीशन। देखिए डेलिमिटेशन कमीशन का मतलब क्या है कि आपने ये देखा होगा कि जो क्षेत्र होते हैं उनको ना अलग अलग, मतलब उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि यहाँ पर दिल्ली में मान लीजिए लोकसभा की 7 सीटें हैं। अब 7 सीटें कैसे हैं, ये डेलिमिटेशन का ही काम था कि उसने दिल्ली को 7 संसदीय क्षेत्रों में बांट दिया, समझ आया कहने का मतलब। तो इस तरीके से हर क्षेत्र को बांटने का जो काम होता है वो डेलिमिटेशन कमीशन का ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द इंडियन इलेक्शन सिस्टम। तो इसमें आपको बताना है खामियां। तो नॉर्मल सी बात है, एक तो यहाँ पर कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा होता है, हिंदू मुस्लिम एक तरीके से उसके नाम पर वोट मांगना, ठीक है। इसके अलावा जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आ जाते हैं राजनीति में। इसके अलावा लोग जो है वायलेंस के नाम पर वोट कर देते हैं, एक तरीके से मान लो वायलेंस हो गई, वायलेंस को मतलब वायलेंस के वजह से वोट करते हैं, उसी को डर के मारे, कास्ट पे, रिलीजन पे, ये सब पे जो वोट होते हैं, ये क्या है एक तरीके से डीमेरिट्स हैं आपके इलेक्शन सिस्टम के, और ये सारी चीज़ें होती है भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि डिस्क्राइब द 4 मेन फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हमें 4 विशेषताएं बतानी है, फिर काम बताने हैं। तो पहला तो यही है भाई आपका कि ये जो करता है वोटर लिस्ट बनाता है, दूसरा ये डिसाइड करता है कि जो इलेक्शन का जो मोड होगा वो कौन सा होगा, तीसरा ये बताता है कि जो इलेक्शन का जो इंस्पेक्शन होगा उसके जो ऑफिसर वगैरह होते हैं वो चेक करता है ये कि सही तरीके से वोट हो रहे नहीं हो रहे, इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका कि रिलीज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट, ठीक है। तो जो भी इलेक्शन का रिजल्ट होता है वो भी कौन निकालता है, एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ही निकालता। तो ये 4 काम हो जाएंगे आपके इलेक्शन कमीशन के। अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट क्वालिफिकेशन हैव बीन सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू बिकम मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। ये पहले भी हमने क्वेश्चन कर लिया था, तो आपको बताना है लोकसभा और विधानसभा के लिए एक तरीके से क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें
कुछ चीज़ें बताएंगे हम, एक तो वो भारत का होना चाहिए, दूसरा उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25, क्योंकि इन दोनों के लिए तो नॉर्मल सी बात है 25 ही मांगता है। इसके अलावा उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे लिखा है ना शुड नॉट बी इन द पोस्ट ऑफ बेनिफिट, ठीक है। इसके अलावा उस पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, एक तो होता है आरोपी और एक होता है कि मतलब जो रियल में ही होते हैं, तो इस तरीके से आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कभी कभी एक लिस्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि जो भी ये जो जीते हैं नेता वगैरह उन पर इतने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है, तो वो केसेस अलग होता है एक तरीके से, और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो अलग बताना आपको कि यहाँ पर उन्होंने ऑफेंस किया है कि नहीं किया, तो अगर किया है तो उनको नॉर्मल सी बात है अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यही थे आपके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का, आप वहाँ पर क्लिक करके जाके ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए, और अगली वीडियो अगर आपको देखनी है जो कि 11th पे ही मैं बनाऊँगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। चलिए ठीक है, गुड बाय।